हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे असाइनमेंट प्रॉब्लम। असाइनमेंट प्रॉब्लम में क्या होता है, अलग अलग ऑफिस में उसी पोस्ट के लिए, सपोज जैसे हमने बैंक का एग्जांपल लिया, बैंक में अकाउंटेंट है, कैशियर है और सपोज हेड क्लर्क है, तो ऐसे तीन चार इक्वल पोस्ट है और उनके पास तीन चार लोग हैं, तो किसको कौन सी सीट पे बैठाना चाहिए ताकि जो है कम से कम टाइम में ज़्यादा काम निकलवाया जा सके। तो एक एग्जांपल लेते हैं हम, पर्सन है ए बी सी टी और वर्क है सपोज 1, 2, 3 एंड 4। मैट्रिक्स होता है अंदर टाइमिंग्स का, वो मैट्रिक्स बना लेते हैं हम। इस तरह से ये मैट्रिक्स है टाइमिंग का कि ए को अगर ये काम देते हैं तो इतना टाइम लेगा, ये इतना टाइम लेगा, ये इतना टाइम लेगा। अभी जो है कम से कम टाइम में सारे काम जो है हो जाए तो किस तरह से किसको कौन सा काम देना चाहिए, ये मैट्रिक्स में फिर से बना दूंगा। ए बी सी डी 1, 2, 3 एंड 4। अभी सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट रो में जो सबसे लोएस्ट वैल्यू है वो इन सब में से माइनस करेंगे, तो 4 में से 2 गया तो 2, लोएस्ट वैल्यू 2 है, 6 में से 2 गया तो 4, 2 में से 2 गया तो 0, 9 में से 2 गया तो 7, इसमें लोएस्ट वैल्यू है 3, इन सब में से 3 माइनस करेंगे तो 5, 0, 2, 4, इसमें लीस्ट वैल्यू 4 तो 0, 4, 5, 2, इसमें है 2 तो 0, 3, 6 एंड 1। ये मैट्रिक्स फिर से बनाएंगे हम, तो ए बी सी डी, ए बी सी डी 1, 2, 3 एंड 4। अभी क्या करेंगे, कॉलम वाइज जो सबसे छोटी वैल्यू वो सब में से माइनस करेंगे, तो इस कॉलम में सबसे छोटी वैल्यू है 0, 0 माइनस करूंगा तो ये कॉलम सेम टू सेम रहेगा, फिर इसमें भी 0 है तो 4, 0, 4, 3, इसमें लोएस्ट वैल्यू है 0 तो 0, 2, 5, 6, इसमें लोएस्ट वैल्यू है 1 तो 1 सब में से सबट्रैक्ट करेंगे तो 6, 3, 1 एंड 0। सबसे पहले क्या करना है, रो वाइज जो है वो माइनस कर देना है, सबसे जो लीस्ट वैल्यू हो हर रो में से, अपने अपने रो में से, फिर कॉलम वाइज जो सबसे लीस्ट वैल्यू हो वो अपने ही कॉलम में से सब में से माइनस करना है, तो मुझे थर्ड मैट्रिक्स मिलेगा। अभी क्या करना है, हमने यहाँ पे क्या किया, रो वाइज मिनिमम वैल्यू, फिर कॉलम वाइज मिनिमम वैल्यू, सब तक करते गए रेस्पेक्टेड कॉलम में से जिसमें जो छोटी वैल्यू हो। अभी आएंगे मैक्सिमम जीरोस इन रो कवर करेंगे, वो रो कवर करेंगे जिसमें हाईएस्ट जीरो है, तो ये रो में ठीक है, फिर
मैक्सिमम जीरो इन कॉलम। तो ये देखोगे तो इसके बाद रो विथ सिंगल जीरो, तो कितनी लाइन बन गई? हमको सारे के सारे जीरो कवर करने होते हैं मिनिमम लाइंस यूज करके। तो सबसे पहले वो रो पकड़ेंगे जिसमें हाईएस्ट जीरो है, फिर वो कॉलम पकड़ेंगे जिसमें हाईएस्ट जीरो है, इसके बाद रो विद सिंगल जीरो, और लास्ट में रो विद कॉलम विद सिंगल जीरो। कम से कम लाइंस ड्रॉ करके ज्यादा से ज्यादा जीरो कवर कर लेते हैं। अभी देखना है आपको कि मैट्रिक्स कितने का है, 4x4, और लाइंस कितनी बनी 4। तो इसका मतलब है हमको हमारा सॉल्यूशन मिल गया। फिर से मैट्रिक्स लिखूंगा 1 असाइन करने के लिए, 1 2 3 and 4, तो 2 5 0 0 4 0 4 3 0 2 5 6 6 3 1। अभी असाइनमेंट में आपको क्या ध्यान रखना है, रो विच हैज सिंगल जीरो, पहले वो रो पकड़ेंगे जिसमें सिंगल जीरो, वहां पे वर्क असाइन करेंगे। तो फर्स्ट रो में सिंगल जीरो है, इसको ये काम असाइन कर देंगे, ये रो क्लोज एंड ये कॉलम क्लोज। फिर इसको असाइन करेंगे तो ये रो क्लोज, अभी इसमें सिंगल जीरो है तो इसको असाइन करेंगे, ये रो क्लोज ये कॉलम क्लोज, लास्ट में वर्क करेंगे ऐसे। तो अभी असाइनमेंट देखें तो हम ए को जो है थर्ड वर्क असाइन हुआ, बी को सेकंड, सी को फर्स्ट एंड डी को फोर्थ। टाइम कैलकुलेट करना हो, ए को थ्री है, ए को थ्री तो टू प्लस, बी को टू है तो थ्री प्लस, सी को वन है तो फोर एंड डी को आया था 4 तो 3। तो टोटल टाइम कितना होगा, 2 + 3 5 + 4 9 + 3 12। तो इस तरह से जो है 12 टाइम आएगा मिनिमम ताकि हम वर्क असाइन इन चार लोगों को, ये चार काम इस तरह से देंगे। कैसे किया, पहले हर कॉलम में से जो सबसे छोटी वैल्यू है वो रिस्पेक्टेड उस कॉलम में से रो में से माइनस करेंगे, फिर हर कॉलम में जो सबसे छोटी वैल्यू है वो कॉलम में से माइनस करेंगे, तो हमको ये मैट्रिक्स मिला। अभी हमको देखना है कि हमको हमारा सॉल्यूशन मिल गया है या नहीं, तो वो कैसे चेक करेंगे, वो रो पकड़ेंगे जिसमें सबसे ज्यादा जीरो हो वो क्लोज कर देंगे, फिर वो कॉलम पकड़ेंगे जिसमें सबसे ज्यादा जीरो हो उसको क्लोज कर देंगे, उसके बाद वो रो पकड़ेंगे जिसमें सिंगल जीरो हो। कम से कम लाइन ड्रॉ करके ज्यादा से ज्यादा जीरो जो है वो कवर कर लेंगे। अभी देखते हैं तो मैट्रिक्स 4x4 का था और लाइन भी हमारी 4 बन गई, इसका मतलब हमको हमारा सॉल्यूशन मिल गया। अगर ये इक्वल नहीं है तो आगे दो स्टेप्स और होंगे, वर्क असाइन करेंगे तो ये मैट्रिक्स फिर से लिख लूंगा। अभी असाइनमेंट के लिए क्या करना है, ऐसी लाइन पकड़ेंगे जिसमें सिंगल जीरो, वहां पे वर्क असाइन करेंगे, वो रो एंड कॉलम क्लोज कर देंगे। तो पहले इसको असाइन किया क्लोज क्लोज, फिर इसको असाइन किया क्लोज, फिर इसको असाइन किया, लास्ट में इसको असाइन किया, तो ए को आया 3, बी को 2, सी को 1, डी को 4। टाइम तो जिस हिसाब से वर्क असाइन किया है, ए को 3, बी को जो है वो 2, सी को फर्स्ट एंड डी को 4, तो वो टाइम लिख लेंगे और टोटल कर लेंगे, इस तरह से ये असाइनमेंट हो जाएगी।